150 रुपए? अरे नहीं 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 नहीं, इतने पैसे थोड़ी होते हैं एक गरबे के। भाई साहब, सब जगह यही भाव चल रहा है। अच्छा, मतलब सब मिलकर गैंग बनाकर लूट रहे हो ग्राहकों को? आप लोग अभी तक इसी में उलझे हुए हैं? देखो ना, ये भाव कम ही नहीं कर रहे हैं। आपसे नहीं कह रही हूँ, दुकानदार से बात कर रही हूँ। मानना पड़ेगा हाँ भाई, आपकी हिम्मत को। बहन जी, मैं कैसे भाव कम करूँ? इसमें कुछ कमाने को है ही नहीं। ओ अच्छा, कमाने को कुछ नहीं है तो फिर बेच क्यों रहे हो भाई? अब मैं क्या बोलूँ आपसे? देने का दाम बोलो, वही तो कह रहा हूँ मैं। भाई साहब, 150 रुपए से कम में ये वाला गरबा नहीं आएगा। सस्ते वाले ये पड़े हुए, इनमें से कोई ले लो। हाँ दिखाओ दिखाओ, कितने का है ये? ये ओहो, पानी का मटका है ये। इसे रखेंगे आप गरबे की जगह? वापस रखो भाई। ये भाव कम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या भाव 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 कर रहे हैं आप? अरे अभी हम लोगों को तो बच्चों के लिए डांडिया, ज्वेलरी, कपड़े सब खरीदना है। आप एक काम करना, अगले साल जब नवरात्रि आएगी ना, तो एक महीने पहले से आप यहाँ डेरा जमा लेना और जी भर के भावताव करना। भाई साहब, हम ये वाला गरबा लेंगे। ये क्या है प्रवीण भाई, कुछ अच्छा दीजिए ना। रो मत ना। अच्छा चल, ये लगा। ये भी ठीक है, चलेगा। अरे चलना, होशियारी क्या कर रहा है? हाँ पकड़ना नीचे। ये क्या लेके आया प्रवीण भाई, सब पुराना सामान है। तो अरे एक तो मोगे माने शॉर्ट नोटिस दी है, कहा है कि कम से कम समय में ये सब पूरा करना है। इसमें मैं नया सामान लेने जाऊंगा। चलना मफतलाल, फटाफट करना। कितना टाइम लगता है तुझे? अरे कुछ तो नया कीजिए, हर साल वही का वही। एक नई आइटम है बेबी, जिसे देखकर लोग कहेंगे कि वाह मस्त आइटम है। बोल कहाँ है? एक मिनट रुका मफतलाल, जरा सामान ला। अरे बेबी, इसी आइटम को अगर मेन डोर पे लटका देंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? अरे मेन डोर क्या है? चुप रे रे, हाइट बड़ा, हाइट बड़ा। अरे प्रवीण भाई, प्रवीण भाई मजाक मत कीजिए। इस घर में मेरी आखिरी नवरात्रि है और बिरजू की पहली नवरात्रि है, कुछ तो अच्छा कीजिए। प्रवीण भाई, अरे प्रवीण भाई टेबल दीजिए, मैं गिर जाऊंगा। निर्मल भाई आप 2 मिनट रुकिए ना। प्रवीण भाई कुछ अच्छे ढोली, कुछ अच्छे सिंगर्स, किसी को तो लाइए। बिरजू को भी लगना चाहिए ना कि ये हमारे घर की नवरात्रि है। अच्छा डांस करते हो आप लोग। लेकिन आप लोगों को लाया कौन? हाँ मैं लाया हूं। बिरजू। बिरजू, भाभी से बात हुई तो पता चला कि यहाँ पर नवरात्रि होने वाली है और मेरी बेबी नवरात्रि की तैयारियों को लेकर परेशान है, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं अपनी बेबी को परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए अब सारी तैयारी मैं करूंगा, सब कुछ मैं संभालूंगा। जो अरे उतारो भाई, प्रवीण भाई क्या कर रहे हो आप लोग? अरे हंसो मत हम लोग। एक मिनट, एक मिनट हिम्मत भाई, आप जम मारिए, मैं पकड़ लूंगा आपको। पकड़ना? हाँ हाँ जम कीजिए हिमल भाई। मच गया। बेबी तेरी जगह तेरी सौत ने ले ली, देख। ये लीला, 150 रुपए का गरबा खरीद रही हो तुम? जरा देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो लीला, ये देखो लीला, इस सादे मटके की कीमत होगी 20 रुपए।
उस पे इस दुकान वाले ने ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए का डेकोरेशन किया होगा। हाँ, कितने हुए 45। तो कोई भी दुकान वाला इस गरबे पे 10 रुपए का प्रॉफिट लेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का। लेकिन ये दुकान वाला तो सीधा 105। लूट है ये, लूट लीला। चलिए 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 भाभी, अभी तो हमें बहुत सारी दुकानों पे जाना है। ले लिया गरबा? अभी तो हम लोग गरबे के भाव के आसपास गरबा खेल रहे हैं। शिल्पा, तुम मुझे बताओ, कोई 150 रुपए का गरबा लेगा क्या? अरे बोलो शिल्पा। मोटा भाई, पा ने कहा है कि पैसे चाहे जितने भी हो, लेकिन गरबा बहुत सुंदर होना चाहिए। कमाल है, पा ने कहा और तुमने मुझे बताया नहीं। भाई साहब, आप हमें ये 150 वाला सस्ता वाला नहीं, कोई अच्छा वाला, महंगा वाला, 200-500 वाला गरबा दिखाइए। अचानक क्या हो गया इनको? आप नहीं समझेंगे भाई साहब, बा ने 150 रुपए का ही बजट दिया है। तो फिर यही गरबा दीजिए। हाँ, यही दीजिए। हाँ, ये लीजिए। वो पंजाब वर्सेस बंगाल का है, दोनों अभी भी अंदर ही है, अभी तो डांस प्रैक्टिस। वाह 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 वाह, चले गरबा ले लिया। मीनाक्षी कहाँ है जी? थोड़ी देर पहले तो वो इसी तरफ आई थी, यहाँ नहीं आई। नहीं, यहाँ तो नहीं आई। फिर कहाँ गई? कहाँ गई? ओ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो कह रही थी कि उसे 6:30 ताली बाबा के दर्शन के लिए जाना है। हाँ, 6:30 ताली बाबा, नाक्षी और बाबा। तुम लोग एक काम करो, चलो फटाफट घर चलो। हम लोग बच्चों के कपड़े ज्वेलरी लेकर आते हैं। हाँ, चलिए। सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने जैसे कहा था हमने वैसे ही पूरे आंगन को सजा दिया है। सर आप एक बार देख लेते तो। चलो 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 चलो, बिरजू जब भी आता है सरप्राइज लेके आता है। क्या सरप्राइज है, देखते ना कैसा। भाई मनी मन टिकट बेचना बंद कीजिए। तुझे कैसे पता चला? भाई हूँ आपका। आजा बीबी। बहुत अच्छा किया। वाओ। अब यार। ओ हो। सॉलिड खर्चा हुआ होगा ना बिरजू? पूछो मत। 150-200 आदमी तो आराम से आ जाएंगे। हाँ। वाह बिरजू वाह, बहुत अच्छा है। माता जी की मूर्ति भी कितनी प्यारी लग रही है, मीनाक्षी देखेगी तो एकदम खुश हो जाएगी। ये इयररिंग्स, ये चुड़िया सब मुझे निकाल कर दे दे। ये इयररिंग्स 7-8 हजार के तो होंगे ना? नकली है, सोने का पानी चढ़ा है इन पर, फिर भी कम से कम इसके 200 रुपए मिलेंगे। ये चुड़िया 50 रुपए में ली थी,
अब इनके कितने आएंगे पता नहीं। नकली गहने पहन कर घूमती है तू? 2 साल पहले नवरात्रि में मैंने एक औरत को माताजी समझकर सोने की चेन भेंट में चढ़ा दी थी। तब से बा मुझे नकली गहने पहनाती है। मैं तो गरीब घर की बेटी, बा ने मुझ गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझको। ये गहने भी बा ने मुझे कितने प्यार से पहना है, उनका ये ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगी? चुप चुप, ये मंगलसूत्र पहना है वो? माना के पापा ने दिया है मुझे। अरे वो असली है या नकली? नकली है। तो असली क्या है तेरे पास? ये चेन। ला दे दे मुझे। ये चेन मैं नहीं दे सकती, इसमें मेरे कान्हा जी है। तो क्या हुआ, दे दे मुझे। नहीं, ये भी मुझे माना के पापा ने दी थी, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर मेरे गांव में सब बंगाली, सिर्फ हमारा परिवार गुजराती। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही सिखाया था कि कान्हा जी को भजो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे कान्हा जी जान से प्यारे हैं। ये जानने के बाद मानव के पापा ने मुझे ये कान्हा जी के लॉकेट वाली चेन भेंट में दी थी। ये मैं आपको नहीं दे सकती। दे दे, वरना सड़क पे ले जाके गाड़ी के नीचे धक्का दे दूंगी। इस वक्त तो मेरे बस में है। हम सब कान्हा जी के बस में हैं। आप मुझे सड़क पर ले जाकर धक्का मार दीजिए, लेकिन मैं आपको मेरे कान्हा जी नहीं दूंगी। चलिए धक्का मारिए। अरे अरे कहाँ चले? अरे रुक! अब मारिए धक्का। अरे बहन जी, बीच में क्या खड़ी हो, बाजू हटो। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मंदिर में थी ना। वो इतना भाव ताव करते हैं आप ही। तू अनमारी ने मीनाक्षी, अरे इधर आ, तू बीच रास्ते में क्या कर रही है? मीनाक्षी, तू क्या कर रही हो यहाँ? कुछ हो जाता तो मैं वो क्या? तेरे गहने कहाँ गए मीनाक्षी? मीनाक्षी, कितनी बार कहा है कि अजनबियों पे भरोसा मत किया करो तुम? मैंने उस औरत पे भरोसा नहीं किया था माने के पापा। उसने किया ना तुम पे भरोसा कि बहुत क्या हाँ कि बहुत आसानी से उसके जाल में फंस जाओगी। अरे तुम्हें पता है जमाना कितना खराब है? पुलिस ने यहाँ आम लोगों को सचेत किया हुआ है कि त्योहार का सीजन है, ईद है, नवरात्रि है, दिवाली है, कोई भी आतंक फैलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि बम भी रख सकता है। आप मेस्मराइज़म से बम तक कहाँ पहुंच गए? मेस्मराइज़ करके कोई भी कुछ भी करवा सकता है इससे। मीनाक्षी, अजनबियों पे भरोसा आइंदा तुम मत करना, समझी? अच्छे कपड़े हैं, अच्छे हैं ना? अभी तक मेरे पापा मेरी मम्मी को डांट रहे हैं। ये सिलसिला कम से कम 60-70 साल तक और चलेगा। तू अपने नवरात्रि के कपड़े दिखाना, कहाँ है? मेरे कपड़े तो वो बैग में है। हाँ तो स्टूल ले और निकाल ले ऊपर से। सिंपल, चल 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 चल। सोमिल, ये कुर्सी पकड़ना। क्या कर रहा है मानव? क्या कर रहा है? बराबर कर रहा। कुंडली कुंडली हमारे घर में कुंडली किसकी है?
दिखा दो, ये तो मीनाक्षी काकी की कुंडली है। कुंडली बनवाई है मीनाक्षी काकी ने? अब पढ़ तो क्या लिखा है, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। कुंडली में भी कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर लिखा है? कुंडली बनाने वाले भी वही क्या होंगे ना। अरे ये देखो क्या लिखा है इसमें, मीनाक्षी काकी का बर्थडे है। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। अरे आज नहीं, परसों। तुझे किसने बोला? ये देख इसमें जन्म का दिन कौन सा लिखा है, आसो सुद त्रीज, मतलब नवरात्रि का तीसरा दिन, मतलब परसों। पर मीनाक्षी काकी ने हमें कभी नहीं बताया कि उनका बर्थडे कब है। अरे वैसे भी कहाँ याद रहता है, आज तक कभी मनाया है उन्होंने अपना बर्थडे? तो कल रात मनाते है ना उनका बर्थडे, रात को 12 बजे सरप्राइज पार्टी देंगे उन्हें। एक मिनट, लेकिन पार्टी के लिए पैसे? वन टू थ्री फोर। मंगू मासी, अभी के लिए इतना बस हो गया, और शाम को तो आना ही मत, क्योंकि शाम को बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा है। भाई साहब बैठिए ना। एक मिनट, आप कौन? अरे आपने पहचाना नहीं? ये मेरे जेठ जी। बैठिए, मैं आपके लिए इडली बना के लाती हूँ। मंगू मासी एक मिनट, आज इडली नहीं थेपला बना है। अरे इडली का खीरा पड़ा है ना फ्रिज में। आपको कैसे पता है? क्यों, कल रात आप ही के घर से मैं खीरा लेके गई थी, बचा हुआ खीरा फ्रिज में रखने के लिए मैं वापस आ गई, इसलिए। आप इनके चेहरे देखकर इनका भविष्य बताइए तब तक। ओहो क्या बात है, आप फेस रीडर हैं? जी। मंगू मौसी हमेशा यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ लेकर जाती है, अब हम थोड़ा सा वसूल करें। अंकल जरा हमारा फेस भी पढ़ के बताइए ना, केस में क्या लिखा है। अरे तुम्हारा फेस पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ साफ लिखा हुआ है। तुम और ये बच्ची दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, मैं तो यहां तक कहूंगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में एक घटना ऐसी घटने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।